तो ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है गेट 1992 में, और यहाँ पे हमने नंबर ऑफ ट्रैक से रखे हैं, हर ट्रैक की कैपेसिटी, डिस्क की स्पीड, एवरेज सीक टाइम, और हमसे एवरेज लेटेंसी, डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी और डेटा ट्रांसफ़र टाइम पूछा है। तो सबसे पहले एवरेज लेटेंसी निकालते हैं। तो एवरेज लेटेंसी हमने पढ़ा था वो तो ये हाफ ऑफ रोटेशनल टाइम, यहाँ पे दे रखा है 3600 रोटेशंस जो है पर मिनट हो रहे हैं, तो इसका मतलब 3600 रोटेशंस जो हैं वो हमारे 60 सेकेंड्स में हो रहे हैं। तो हमारा वन रोटेशन जो होगा वो कितने सेकेंड्स में होगा, तो वो हमारा वन रोटेशन जो होगा 60/3600 सेकेंड्स में होगा, जो कि हो जाएगा हमारा 1/60 सेकेंड्स में। तो 1/60 सेकेंड्स में हम जो है एक रोटेशन कर रहे हैं, तो हमारी एवरेज लेटेंसी कितनी हो गई, हो गई हाफ ऑफ 1/60। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा जाएगा 8.33 मिली सेकेंड्स। ओके, तो एवरेज लेटेंसी जो होगी वो हो जाएगी हमारी 8.33 मिली सेकेंड्स। बढ़ते हैं सेकेंड पे। तो सेकेंड जो है वो पूछा जा रहा है डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी के बारे में। तो हमसे पूछे गया सेकेंड पॉइंट, डिस्क स्टोरेज कैपेसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास 404 ट्रैक्स हैं, और हर ट्रैक जो है वो 13030 बाइट्स का है। तो यहाँ पे टोटल कैपेसिटी जो हमारी डिस्क की हो जाएगी वो हमारी हो जाएगी 404 ट्रैक्स, और हर ट्रैक जो है वो 13030 बाइट्स का है। और इस पूरे को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा आ जाएगा 50 MB के इक्वल। ओके, तो फर्स्ट का हमारा आंसर जो था वो था 8.33 मिली सेकेंड, सेकेंड जो है हमारा वो है 50 MB, और थर्ड हमें निकालना है डेटा ट्रांसफ़र रेट। अब नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हमें डेटा ट्रांसफ़र रेट निकालना है। तो डेटा ट्रांसफ़र रेट निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें एक ट्रैक की कैपेसिटी चाहिए इनटू जो हमें टाइम लग रहा है, इन दो चीज़ों से हम इसे निकालेंगे। ओके, सो एक ट्रैक की कैपेसिटी कितनी है, 1300 30 बाइट्स, और ये जो डेटा है ये हमारा 1/160 सेकेंड्स में ट्रांसफ़र हो रहा है, 1/60 सेकेंड्स में ये डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो 1 सेकेंड में कितना डेटा ट्रांसफ़र होगा, तो एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1300 30 × 60 बाइट्स पर सेकेंड, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0 0 इतने बाइट्स पर सेकेंड। और इस चीज़ को मैं केवी में चेंज करूं तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो ये हो जाएगा 7801.8 KB/s, और MB में 7.8018 MB/s। तो इसका आंसर जो होगा वो रहेगा 7.8 MB/s।